इंग्लिश चैनल। जैसा कि आप लोग सहते हैं, हमारे यहाँ पे चैनल स्पॉट है बाबा एकेडमी पर आपका स्वागत है। और एंड इसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल डाला हुआ है अरबी अकॉर्डिंग, तो सिंपली आप वहाँ पर भी जाकर अपनी वेबसाइट या वेब डिजाइन से या लोगो भी बनाना सीख सकते हैं। एंड इसके अलावा लारा बेल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर अभी, तो सिंपली आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पाइथन की। तो एक्चुअली पाइथन है क्या, और उसी पर हम बात करेंगे कि पाइथन को हम यूज क्यों करते हैं, पाइथन का यूज है क्या एक्चुअली, ठीक है, उसके वर्जन क्या है, वो भी सिंपली हम इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट्स पाइथन। ऐसे काफी जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइथन एक्चुअली है क्या, ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे पाइथन की, पाइथन है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे व्हाट्स पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इसका पाइथन वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो काफी सारी वेबसाइट या वेब डिजाइनिंग में यूज की जाती है अभी के टाइम पे। तो सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं कि पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देख सकते हैं पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप आपसे सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है कि बात करेंगे कि ये पाइथन हुज क्रिएटेड पाइथन, यानी कि पाइथन को बनाया किसने था एक्चुअली, ठीक है, यानी कि पाइथन के पापा कौन है यानी फादर। तो सिंपली हम बात करेंगे कि पाइथन इज क्रिएटेड बाय गियोर्गो वॉन रोसुम ने यहाँ पे बनाया था, जिसको इम्प्लीमेंटेड किस किया था 1989 में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 1918 में गियोर्गो वॉन रोसुम ने इस पाइथन को रिलीज किया था मार्केट में, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये पाइथन जो है कि इसके बाद फिर वर्जन कब अपडेट हुआ था, तो हम बात करेंगे कि व्हाट्स पाइथन यूज फॉर बात करेंगे, उसके बाद हम वर्जन की बात करेंगे कि एक्चुअली पाइथन का वर्जन कब रिलीज हुआ था फर्स्ट, या फिर उसके अलावा प्लान करेंगे कि क्या क्या वर्जन अभी तक आए हैं इस पाइथन के, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि मैं यहाँ पे एक पीपीटी से भूल गया कि व्हाट्स पाइथन यूज फॉर विद पाइथन का यूज किस में किया जाता है। सबसे पहले पाइथन जो यूज किया जाता है एक्चुअली वो किया जाता है वेब डेवलपमेंट में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कह सकता हूँ कि जो पाइथन का यूज है एक्चुअली वो वेब डेवलपमेंट में भी किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखेंगे मशीन लर्निंग में भी किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो काफी सारी वेबसाइट लैंग्वेज में या लर्निंग में यूज की जाती है, जैसे कि उसमें से एक एग्जाम्पल है हमारा मशीन लर्निंग, ठीक है, आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे कि सॉरी एक्चुअली यहाँ पे इसके बाद सिंपली मशीन लर्निंग के बाद हमारा बोल सकते हैं डेटा साइंस, जैसे अभी साइंसेस है डेटा साइंस, और डेटा साइंस क्या होते हैं वो सिंपली आपको तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो सिंपली डेटा साइंस में भी इसका यूज काफी किया जाता है पाइथन का, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रिप्टिंग फॉर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और जैसे जानते हैं तो फॉर इट्स एक्स्ट्रा मतलब, यानी कि इसके अलावा और भी सारी काम है जिसमें पाइथन का यूज है, इसलिए मोस्ट पॉपुलर काफी पे बोली जाती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट, और इसका भी काफी सारा यूज है। उसी तरह हमारा यहाँ पे पाइथन का भी काफी सारा यूजफुल है यहाँ पे। और इसके बाद बोलेंगे पाइथन से जो वर्जन है अभी एक्चुअली आए क्या है, तो बात करेंगे व्हाट्स द वर्जन ऑफ पाइथन एंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। तो लेटेस्ट वर्जन पाइथन की बात करें तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3 चल रहा है अभी के दौर पे, आप देख रहे होंगे, जो कि अभी रिलीज हुआ था, ठीक है, हमारा अक्टूबर में शायद 22 या 24 या 26 को, शायद 26 अक्टूबर 2022 को वर्जन पाइथन 3 अपडेट हुआ था या रिलीज हुआ था, ठीक है। सिंपली आप उसे भी देख सकते हैं, उसका नाम तो पाइथन 3.11.1 था शायद, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन बट मुझे इतना पता था कि उससे पहले, लेकिन जो पाइथन चल रहा है पाइथन 3.10 अभी के लिए चल रहा है, यानी कि हम पाइथन 3 बोलते हैं उसको। इसके अलावा जो वर्जन रिलीज हुआ था एक्चुअली वो हम वर्जन रिलीज क्या होता है, एंड इसके अलावा देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्जन है एक्चुअली हुआ क्या होता कि जो 1.1 है पाइथन 1.1 जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 1994 को हुआ था। उसके अलावा सिंपली सेकेंड वर्जन हमारा जो है 1.2 वाला 13 अप्रैल 1995, और इसके बाद सिंपली 1.3 यहाँ पे 13 अक्टूबर 1995 को हुआ था। इसके अलावा 1.4 25 अक्टूबर 1996, और इसके अलावा देखेंगे 1.5 13 1 दिसंबर 1997, 3 जनवरी से इसमें यह काम चला था एक्चुअली। क्या हुआ था कि इसमें जब 1.5 13 1 दिसंबर को हुआ था, तो इसमें थोड़े डिसएडवांटेजेस थे, इसकी वजह से इसका जब पर करते करते 3 जनवरी 1988 को यहाँ पे एक्चुअली हो गया था, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे इश्यू होते हैं, नेटवर्क इश्यू वगैरह जैसे आपके आज के दौर में होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी थोड़ा सा इशू था, इसकी वजह से 31 तारीख से 3 तारीख से इसमें वर्क चलता रहा, उसके बाद इसमें रिलीज किया गया, ठीक है। तो इसके बाद सिंपली देखेंगे कि 1.5 सितंबर 2000 को यहाँ पे रिलीज हुआ था, देख सकते हैं आप लोग, और इसके बाद 1.6 भी यहाँ पे 2000 को रिलीज हुआ था अक्टूबर में, या मैंने 2.0, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वर्जन है 2.1 17 अप्रैल 2000 को, एंड 2.2 21 दिसंबर 2001, एंड 2.3 29 जुलाई 2003 को हुआ था, एंड 2.4 30 नवंबर 2004 को हुआ था। इसके अलावा सिंपली काफी वर्जन है जो कि आप इसमें पीपीटी में देख सकते हैं, यहाँ पे 3.2
भी चल रहा है, और इसके अलावा से भी 3.6 जो वर्जन था एक्चुअली दिसंबर 2016 था, जो कि अभी आप तो देख रहे हैं 3 की सारी के वर्जन सभी चल रहे हैं जो कि हम यूज करते हैं पाइथन के, ठीक है, वो सारे के यूज करें। 3.27 जून 2018, उसके अलावा सिंपली 3.10 14 अक्टूबर 2019 को हुआ था, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्चुअली 3.10 4 अक्टूबर 2021 को हुआ था अभी, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो अभी अपडेट हुआ था वो 24 अक्टूबर 2022 को हुआ था अभी कुछ, ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा देखते हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, तो लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो यहाँ पे पाइथन 3 अभी लेटेस्ट है, जैसे पाइथन 3 इज करेंटली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, और जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया था कि पाइथन 3 अभी काफी यूज किया जा रहा है, और पाइथन लेटेस्ट वर्जन भी है अभी की तौर पर जिसे हम अभी एक्चुअली यूज करते हैं अपने बीएस कोड या फिर और किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर नोटपैड वगैरह में यूज करते हैं, वो सिर्फ पाइथन 3 का भी प्लान किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा सिंपली दस ट्यूटर इज द बेस्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ पाइथन 3, और इसके अलावा हमारी पीपी स्टॉप है बैन बैन कैनिक और पाइथन, इसका मतलब है कि हम पाइथन को कैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल प्रिंट, जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट बाबा अकेडमी, एक्चुअली यहाँ पे प्रिंट जैसे कि हम सी लैंग्वेज में लिखते थे प्रिंट अब लिखते थे, उसके बाद सिंपली रीड फंक्शन बनाते थे प्रिंट प्रिंट फंक्शन, उसी प्रकार ये हमारा रीड फंक्शन है प्रिंट, ठीक है। रीड फंक्शन क्या मतलब है कि जो मैंने रीड फंक्शन में जो डाला हुआ है बाबा एकेडमी, एक्चुअली ये बाबा एकेडमी ही हमको आउटपुट दे देगा, सिंपली हम देखेंगे यहाँ पे आउटपुट ऑफ बाबा एकेडमी, ठीक है। इसके अलावा हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा प्रैक्टिकली कि हम एक्चुअली पाइथन का कोड लिख कैसे सकते हैं, तो सबसे पहले जो है हम अपने बी एस कोड में जाएंगे और मैं वहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, एक्चुअली बी एस कोड मेरा यहाँ पे डाला हुआ है तो मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने जिसको ओपन किया अभी देखिए, मैंने यहाँ पे बी एस कोड क्लिक कर लिया, उसी वजह से भी टर्मिनल मैंने ओपन किया, उसके लिए मैंने पाइथन डॉट टेस्ट डॉट पी वाई की यहाँ पे फाइल बनाई है, जितनी हम फाइल्स बनाते हैं उसके अलावा जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी फाइल मैं देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट डॉट पी वाई डाला हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो टेस्ट डॉट पी वाई मैंने कैसे डाला है, मैं इसके अलावा टेस्ट के बाद और कुछ डाल सकता बट ऐसा नहीं है कि जो कि मैं फाइल जैसे सी लैंग्वेज में डाल देते हैं टेस्ट डॉट सी और सी फिर सी पी पी टेस्ट डॉट पी पी पी, इसी प्रकार हम टेस्ट डॉट पी वाई का यूज करते हैं पाइथन के लिए, ठीक है, वरना जो फाइल्स हमारी क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। तो अभी के लिए पाइथन का जो फर्स्ट कोड है एक्चुअली हम लिखेंगे कैसे उसको हम यहाँ पे देखेंगे, तो जो पाइथन है सबसे पहले मैं लगाऊंगा एक रीड फंक्शन प्रिंट, ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे रीड प्रिंट लगाया और उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट लिया, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पे हमको शो कराए, मैं चाहता हूँ मैं इसको रन करके देता हूँ। रन करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं पहले तो फाइल कंट्रोल ऐसे इस फाइल को सेव करूंगा और मैं यहाँ से प्रिंट करूंगा, ठीक है। देखिए तो देख सकते हैं यहाँ पे बाबा एकेडमी एक्चुअली डेटा दे दिया हमको, और मैं चाहता हूँ कि जो जो फाइल से एक्चुअली, ठीक है, मैं इसको कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर करना कराना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको एंटर मार लेता हूँ इसको, और मैं इसको यहाँ पे एक्स इक्वल या 13 इक्वल कुछ भी यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, मैं फिर 6 कर लेता हूँ, मैं 6 को प्रिंट कैसे कराऊंगा, सिंपली यहाँ पे मैं 6 डाल देता हूँ और मैं फाइल को यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ फाइल को सेव करूंगा उसके बाद रन पे डालूंगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे बाबा एकेडमी यहाँ पे 6 आ चुका है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और सिंपली दूसरा तरीका है क्या कि पाइथन यूजर टेस्ट डॉट पी वाई एक्चुअली यहाँ पे फाइल आ चुकी है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को सम या एडिशन करके भी देख लूँ, तो यहाँ पे 6 प्लस 10 लिखा है और मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू यहाँ पे, एक्चुअली एक तरीका तो हमारे पास यही है कि मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ एक्चुअली, ठीक है, तो मैं फिर से इसको सेव करूंगा और फिर से मैं इसको और टर्मिनल रन करूंगा, तो देख सकते हैं बाबा एकेडमी को 16 आ चुका है, ठीक है। तो अभी मैं किया है कि बाबा एकेडमी को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं एक्चुअली इसको जो 6 लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा एक्स लिख दूंगा, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक्स लिखा और मैं इसको फिर से रन करके देखूंगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे 16 आ रहा है और बाबा गायब हो चुका है क्योंकि मेरी जो फाइल्स है मैंने हटा दिया है। इस प्रकार से आप पाइथन का भी कोई भी कोड लिखेंगे, इसके आगे आगे वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड पाइथन के, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, और अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी जहाँ से आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको पीपीटी शो करा देता हूँ, उसके बाद सिंपली हम बात करेंगे, एक्चुअली मैं यहाँ पे लोकल ईमेल में आऊंगा और जहाँ पर मैंने आपका सारे के सारे नोट्स बनाए रखे हैं, जैसे ट्यूटोरियल फर्स्ट है तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे देख सकते हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप पाइथन और बाबा अकेडमी के सारे के सारे जो नोट्स हैं एक्चुअली यहाँ पे मैंने वर्जन दे दिए हैं सारे के सारे, देख सकते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर देख सकते हैं आठ बोले, इसके अलावा सिंपली हम सेकंड ट्यूटोरियल में क्या पढ़ेंगे वो भी सिंपली मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ, ठीक है। और बाबा एकेडमी पढ़ेंगे पाइथन फाइल्स को हम कैसे बनाते हैं, पाइथन का कोड, पाइथन इंटरप्रेटर क्या होते हैं, सिंपली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।